दीपक होता है पूरे फ्लोर पर अकेला रहता है। आजू बाजू का जो माहौल है इसको बहुत ही भयानक डरावना फील होता है और ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर के देख रहा है, कोई इसके पीछे खड़ा है। और उसका जो हाथ था ना धीरे धीरे मेरे कंधे की तरफ आ रहा था। हल्का सा किसी ने इसका दरवाजा खोला, इसके बेडरूम के अंदर झांक रहा है। वो दरवाजे के पास बाहर खड़ा है, कोई सफेद कपड़े पहना हुआ है जिसका इसको चेहरा तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला उसका चेहरा है और इसको घूर घूर के देख रहा है। नहीं मैं नहीं सोऊंगा, अगर मैं सो गया और वो भूत मेरे घर के अंदर आ गया, इसकी तबीयत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तांत्रिक इसको देखता है, बेटा क्या तेरे घर के पीछे एक खंडर है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है, मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों आज का जो किस्सा है ये कोटा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक दीपक नाम का लड़का रहने के लिए आता है। दीपक का जो घर होता है कोटा से थोड़ी ही दूरी पर होता है, मतलब लगभग 45 मिनट्स की दूरी पर होता है। लेकिन दीपक क्या करता है, ये ना एक बिल्डिंग में रेंट पर घर लेता है। ये सेकंड फ्लोर पर रहता है। इसके ना पड़ोस में सिर्फ एक ही बंदा रहता है, जो अखा फ्लोर होता है ना वो पूरा खाली होता है। क्योंकि दीपक को थोड़ी हेल्थ की इश्यू होती है तो वो सोचता है कि डेली अप डाउन करने से बेटर है कि ऑफिस के पास ही मैं अपना घर ले लेता हूँ। इसकी वजह से ये कोटा में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन इसका जो पड़ोसी होता है ना वो कुछ दिन के बाद घर खाली कर देता है। घर खाली करने के बाद ना अब जो दीपक होता है पूरे फ्लोर पर अकेला रहता है। इसको बड़ा अजीब महसूस होता है, इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंटिन्यू मुझे घूर घूर के देख रहा है। इसको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है। आजू बाजू का जो माहौल है इसको बहुत ही भयानक डरावना फील होता है। पूरा ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा हो गया है, अजीब सी बदबू आती है और ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर के देख रहा है। एक दिन ये फोन करके अपने मम्मी डैडी को बताता है कि मम्मी डैडी मेरे को कंटिन्यू ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ है, मुझे घूर घूर के देख रहा है। तो इसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि बेटा ये तेरा बहम होगा, तो एक्चुअली घर से ना परिवार वालों के साथ पहली बार अलग हुआ है ना, अकेला रहना तूने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है तो इसकी वजह से तुझे ऐसा महसूस होता है। रात को कई बार ऐसे भयानक भयानक ख्याल जो है ना मन में आ जाते हैं, तो इन विचारों के ऊपर ज्यादा इन विचारों को ना अपने ऊपर ज्यादा हावी मत होने दे। जितना हो सके ना अपना भगवान में विश्वास रख और अपना काम कर, आराम से खा पी और सो जा। तो ये बोलता है ठीक है। अब ऐसा ही होता है, अपनी मम्मी डैडी की बातों पर असर करता है कि हाँ मेरे को शायद मैं अकेला रहता हूँ इसलिए ये मेरा बहम हो सकता है। एक रात ना लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा, ये ना सुसु करने के लिए उठता है। ये सुसु कर रहा होता है तो इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। ये एकदम चौंक जाता है, पलटी मार के देखता है तो इसको कोई नजर नहीं आता है। ये बहुत घबरा जाता है क्योंकि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि जैसे कोई पीछे खड़ा था और उसका जो हाथ था ना धीरे धीरे मेरे कंधे की तरफ आ रहा था। इसको ऐसा महसूस होता है, फटाफट सुसु करता है और ये ना अपने रूम की लाइट ऑन करता है और पूरी रात सोता नहीं है, जागता रहता है। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। मम्मी डैडी को दिल करता है कि फ़ोन कर लूँ, फिर ये सोचता है कि मम्मी डैडी तो यही बोलेंगे कि बेटा तेरा बहम है, तो मम्मी डैडी को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट ऑन करता है और कंटिन्यू जागता रहता है और मोबाइल में लगा रहता है। अब सुबह होती है, अपना ऑफिस जाता है, फिर से रात होती है, घर पर आता है, खाना पीना खाता है और सोने की कोशिश करता है। सोते सोते इसको ऐसा लगता है कि जैसे हल्का सा किसी ने इसका दरवाजा खोला जिसकी वजह से इसकी आँख खुल गई। अब ना ये दरवाजे की तरफ देख ही रहा है तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति इसके बेडरूम के अंदर झांक रहा है। बेडरूम के अंदर नहीं है लेकिन वो दरवाजे के पास बाहर खड़ा है और इसकी तरफ झांक रहा है। ये देखकर ना ये थोड़ा घबरा जाता है, हल्का सा इसको लगता है ये क्या है क्या नहीं है। इसको लगता है कि मैं जाके देखूँ तो सही, कोई चोर वगैरह तो नहीं है। अब ना ये उठने की कोशिश ही कर रहा था तो इसको बहुत एकदम क्लियर दिखाई देता है कि कोई सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है जिसका इसको चेहरा तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला उसका चेहरा है और इसको घूर घूर के देख रहा है। इसके पैर वहीं पर जाम हो जाते हैं, तो फट से ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि जैसे सो रहा है। अब थोड़े टाइम के बाद ये उठ
उठ के फिर से उस चीज़ की तरफ देखता है तो वो चीज़ इसको दिखाई नहीं देती है। ये लाइट ऑन करता है और पूरी रात जागता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, यार क्या है था ये, मैंने क्लियर देखा, वो कोई आम इंसान नहीं था, अजीब से कुछ नेगेटिविटी लग रही थी, ऐसा लग रहा था 100% वो भूत प्रेत कुछ तो है। ये घबरा जाता है, पूरी रात बिना सोए ये निकालता है। अब फिर से ऑफिस जाता है, घर पर रात को आता है, खाना खाता है, लेकिन डर के मारे अब इसको नींद नहीं आ रही है। ये सोचता कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, अगर मैं सो गया और वो भूत मेरे घर के अंदर आ गया, मतलब मेरे रूम के अंदर आ गया, मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरे को कुछ हानि हो गई, तो मुझे नहीं सोना है। ये डर के मारे ना सोता नहीं है, पूरी रात जागता रहता है। सुबह होती है ऑफिस जाता है, रात को घर पर आता है, फिर से जागता रहता है। ऐसा इसने कंटिन्यू ना 8-10 दिन किया, ये सोया ही नहीं है, बिल्कुल इसने आँख नहीं लगाई है। इस कारण ना इसकी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि इसके जो उठने की हालत है ना अच्छी नहीं है, ये बेड पर ही लेटा रहता है, इसकी इतनी ताकत नहीं बन पाती है कि उठे और अपना काम पर जाए। ये अपने मम्मी डैडी को फ़ोन करता है और पूरी घटना बताता है, तो इसके मम्मी डैडी इसको बोलते, बेटा ऐसा कर, तू घर पर आ जा, घर पर आएगा ना तो हम तेरा ध्यान देंगे। तो ये बोलता ठीक है, ऑफिस से छुट्टी लेता है, सीधा मम्मी डैडी के घर पर पहुंच जाता है। इसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, अब इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, चलने के लायक नहीं होती है, तो इसके मम्मी डैडी ना घर पर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक इसको देखता है, थोड़ा टाइम के लिए ना वो चुप रहता है, फिर तांत्रिक इसको बोलता है कि बेटा क्या तेरे घर के पीछे एक खंडर है? तो ये बोलता है हाँ, मेरे घर के पीछे एक खंडर है, एग्जिट मेरे घर के पीछे ही है, कोई बस और कोई दीवार नहीं है, सीधा खंडर ही मेरे घर के पीछे लगता है। तो वो तांत्रिक बोलता है अच्छा ठीक है ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद ना वो तांत्रिक इसको बोलता है कि उस खंडर के अंदर क्या पीपल का पेड़ है? ये बोलता है हाँ पीपल का पेड़ है। तो तांत्रिक इसको बोलता है कि तेरे पास एक रेड शर्ट है? ये बोलता है हाँ। तो तांत्रिक उसको बोलता है कि क्या कभी तेरी जो रेड शर्ट थी वो उड़कर खंडर में गई है? हाँ हाँ गई थी। तो तांत्रिक उसको बोलता है दीपक को कि तूने इसको बिना धोई पहन लिया था? तो बोलता है हाँ, मैंने इसको खाली झटका था और पहन लिया था। तो तांत्रिक बोलता है तूने यहीं पर मेजर गलती की, उस पीपल के पेड़ के ऊपर ना एक भूतनी रहती थी, जिसकी वजह से वो जो भूतनी है ना तेरे पीछे लग गई है, अब वो तेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये ना पहले तो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता है, लेकिन सब बातें काउंट करता है कि हाँ मेरे को ऐसा ऐसा एक साया तो दिखा था, मुझे कंटिन्यू फील होता था कि कोई मेरे साथ है, जिसकी वजह से अब ना धीरे धीरे सोचता कि हो सकता है भूत प्रेत है, तो ये इसका भूत प्रेत में विश्वास हो जाता है। वो जो तांत्रिक है ना कंटिन्यू इसके ऊपर झाड़फूंक करता है। फाइनली इसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से कुछ काला सा निकला है, इसको अच्छे से दिखाई नहीं दिया, धुंधला सा इसको कुछ दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर से निकल रहा है। जैसे इसके अंदर से वो कालापन धुएं के जैसा निकला ना, इसको अपने शरीर में इसको ऐसा लगा कि हाँ मेरा शरीर बहुत अच्छा हो गया है, हल्का फील महसूस हो रहा है, इसको ताजगी महसूस हो रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अच्छे से ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ये तांत्रिक को बोलता है कि मेरे को ठीक लग रहा है। तो तांत्रिक बोलता है मुझे पता है, मैं जानता हूँ वो भूतनी जो थी ना तेरे शरीर में से निकल गई है। वो तांत्रिक इसको दीपक को तावीज़ देता है और बोलता है कि ये तावीज़ कभी निकालना नहीं, बिंदास तू उस घर में रह सकता है और वो जो भूतनी है ना तुझे कोई परेशानी नहीं करेगी। तो ये बोलता है ठीक है, ये तांत्रिक का दिल से धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद इसके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल रहा है इसकी लाइफ में। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब माँ बाप के साथ कोई बच्चा शेयर करता है ना कि बात मेरे साथ ऐसी भूत प्रेत की घटना हो रही है, तो माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भले बच्चा हो या कोई भी पर्सन अपने परिवार वाले के साथ ये बात शेयर करता है ना कि मुझे ऐसा ऐसा भूत प्रेत की नेगेटिविटी फील हो रही है, तो हर एक पर्सन को, मतलब हर एक घर वाले को ना अपने परिवार वालों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। भले वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसके झूठ के ऊपर एक बार विश्वास करके ना एक कदम बढ़ा देना चाहिए। जैसे इसके मम्मी डैडी ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ाया और तांत्रिक को दिखाया, जिसकी वजह से दीपक की जान बच गई। तो वैसे ही सब परिवार वालों को करना चाहिए, किसी न किसी ऐसे बंदे के पास लेकर जाना चाहिए जिसको भूत प्रेत की अच्छे से नॉलेज हो, और अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।